फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसर सीड से। देख रहे हैं कि कैसर सीड का फरवरी वायदा सुबह के कारोबारी सत्र में तो 6600 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा था, लेकिन अब 6700 के पार जा चुका है, 6738 का हाई भी लग चुका है, लगभग 1% की तेजी है। और इस वक्त कृषि फसलों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। नमस्कार अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसर सीड के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। देख रहे हैं यहाँ पे कैसर सीड अब 6700 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपने पहले ही बता दिया था कि कैसर सीड आने वाले दिनों में 6500-6600 के लेवल्स दिखा देगा, उसके बाद भी हमने अब देख रहे हैं कि जो तेजी है लगातार बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है यहाँ से तेजी और बनेगी या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग बार बार में लगता रहता है कि होना चाहिए, बट जिस दिन के चार्ट के ऊपर हम देखिए ब्रेकआउट आया है 6550 के ऊपर, इसने मार्च फ्राइडे में ब्रेकआउट किया है। देखिए, पुलबैक का दो कारण हो सकते हैं। पहला है अचानक डिमांड में कोई ग्रोथ नहीं आती, बट ऐसा लग नहीं रहा है, चाइना मार्केट छुट्टी के बाद अब ओपन अप हो चुका है। दूसरा है अराइवल्स को लेकर, ठीक है, अराइवल्स के चलते मार्केट में थोड़ा बहुत पुलबैक दे भी दे, लेकिन आप देखिए क्रॉप साइज भी हमने पहले ही डाउनग्रेड देखा है मार्केट के अंदर, तो आई डोंट थिंक उसका भी कोई नेगेटिविटी बने। ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। थोड़ा एक्सपोर्ट्स को लेकर, मतलब जो भी कमोडिटी इंडिया से एक्सपोर्ट होती है वहां पे हमने देखा कि कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से थोड़े कंसर्न बन रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है 400 ब्रेकआउट है ये सीधा 6650 का पहला लेवल और 7000 से 7200 अगले 1-1.5 महीने तक दिखा देगा। ओवरऑल मार्च में ना हम जानते हैं हाई अराइवल का होता है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक होता हुआ चलेगा, बट बाय ऑन ब्रेक की रणनीति रखा के चलिए। जब तक 6200 के ऊपर होल्ड है, ऊपर में 6850-7200 तक के व्यू हम लेके चल सकते हैं जी। इसी के साथ अजय जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि फरवरी बाद 3159 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अजय जी, देख रहे हैं कि बिनौला खल ने अभी एक रेंज पकड़ी हुई है 3000 से 3100 तक की, ऐसे में आपको क्या लगता है जो यहाँ से तेजी बनी है, क्या यहाँ से आगे एक्सटेंड होगी या फिर अभी भी एक जो सीमित दार है वो देखने को मिलता रहेगा? देखिए, बिनौला खल में हमने कहा था कि प्राइजेस फरवरी महीने में एक रेंज बाउंड रहेगा जी, एक्टिविटी जो रहेगी वो रेंज में ही रहेगी, तो हम 3000 से लेकर 3400 का जो दायरा है इसी दायरे में मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे एज ऑफ नाउ। नो डाउट जिस से वाजदे की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद थोड़ा पुल बैक हमने कॉटन के प्राइस में देखा जरूर है, बट अभी भी आप देखिए यार्न की डिमांड, ये सब की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, तो आई थिंक जैसे जैसे भाव नीचे आ रहे थे हमने फिजिकल मार्केट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखे। नो डाउट कुछ लोगों का कहना था कि जनवरी में मार्केट के अंदर कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, उसका कारण था कि आप देखेंगे जैसे राजस्थान महाराष्ट्र यहाँ पे अभी भी हम लोग ने बट जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे फंक्शंस के ऊपर पार्टी के वो लागू थे, इसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट ने कंसोलिडेट कर लिया, 3000 के नीचे भी अब जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट ध्यान रखिए 32-7 मार्च वाला वीकली बेस पे अगर क्लोज हो जाता है तो हम ऊपर में 3400 का भी लेवल तोड़ पाएंगे। हाँ, इन ऑल जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले ही आगाह कर दिया था नवंबर दिसंबर में कि बिनौला खल 4000 का लेवल मार्च के बियॉन्ड दिखा देगा, वो अभी भी लग रहा है क्योंकि फंडामेंटल काफी मजबूत है। तो टाइमिंग मुझे लगता है अगले दो सेशन के लेके चलिए 3240-3250 के टारगेट के लिए, बट लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, बाय ऑन ड्रॉप की ही रणनीति अपना के चलनी चाहिए जी। इसी के साथ अजय जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपने लेवल दिया था जीरे का कि 21,000 से 21,500 तक के भी लेवल दिखा देगा, वो लेवल्स हम पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से लगातार देख रहे हैं कि जीरा 21,000 के भी लेवल्स दिखा चुका है, आपको क्या लगता है क्या जीरा अब यहाँ जरूर और तेजी की तरफ जाने वाला है या फिर यहाँ से थोड़ा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बनेगी?
देखिए जीरे की अगर बात करें तो वैसे हमने बोला था कि स्पाइस ईयर रहेगा 2022 और हमने देखा बिल्कुल अच्छी खासी तेजी हमने जीरे में बढ़ती हुई देखी। पर कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है एक्सपोर्ट को लेकर, जो मैंने कैस्टर के केस में भी कहा था। देखिए अभी मैंने काफी एक्सपोर्टर से बात की, उसमें तीन कंसर्न समझ में आता है। एक पहला है गल्फ को सामने है तो सबको उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर काफी मिलने वाले हैं। तीन चार जो मैंने बातें की उसमें पहला निकल कर आया है कि सर भाव पिछले तीन महीने में जबरदस्त तेजी ले चुके, 30% की तेजी देखी है, जिसके चलते अगर किसी की रिक्वायरमेंट सपोज करो कि 1000 मेट्रिक टन की थी तो वो अब 200-300 के ऊपर बात नहीं कर रहा है। बिकॉज उसको ही मालूम है ये भाव में अगर मैं बाइंग करता हूँ और डिमांड में ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं हम तकलीफ में आ जाएंगे। दूसरा है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, अगर हम फ्रेट चार्जेस की बात करें या कंटेनर कॉस्ट की बात करें तो ये भी सुनने में आया है कि मिडिल ईस्ट में अगर इंडिया से अगर हम एक्सपोर्ट करते थे तो पहले 850-900 डॉलर में कंटेनर अवेलेबल भी हो जाता था, फ्रेट भी मिल जाता था, बट अब इसी कॉस्ट को 3100-3200 डॉलर तक बता रहे हैं। अब इतने बड़े कॉस्ट से एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हर्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो टाइमिंग हो कर रहा है, जैसे हमने कुछ जीरे में तो नहीं है तकलीफ, बट धनिया में जरूर देखा कि जैसे रोमानिया बल्गेरिया का जो माल है वो यूरोप की मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो आई थिंक हायर भाव पे थोड़ा सा दबाव है, करेक्शन के लिए ड्यू है मार्केट की बात नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ से कम 19,500 या 19,000 तक का भी लेवल अगर देखे, क्योंकि सामने नया अराइवल भी आना है तो वहां पे फैट बाइंग बनती, ओवरऑल टारगेट 25,000 से रहेगा, बट करंट लेवल से प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है, तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। इसके साथ अजय जी बात करें अगर धनी की, तो धनी में भी देख रहे हैं कि अचानक से तेजी बनती नजर आई है। आपने इससे पहले इंटरव्यू में कहा था कि 12 फरवरी मसालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख रहे हैं आज 10 तारीख है और जो तेजी है वो बननी भी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है धनी में यहाँ से तेजी बनेगी या फिर यहाँ से भी एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए आपने 12 फरवरी अच्छे से याद रखी, लेकिन मेरा जो डेट था वो था 15 फरवरी से लेकर 12 फरवरी या 20 फरवरी तक का पीरियड, क्योंकि ये पीरियड में ज्यादा करके हम देखते हैं एक्सपोर्ट की इंक्वायरी और डिमांड बहुत बढ़ती है, पर इसमें थोड़ी सी चेंजेस इसलिए, देखिए 12 फरवरी तक का डेट देख लीजिए और भाव देख लीजिए, आपको बेहतरीन तेजी मिल रही है। बट अब मुझे थोड़ा सा कॉशियस इसलिए भी है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, दूसरा अगेन जो मैं बार बार में आगाह कर रहा हूँ सबको कि क्रूड के ऊंचे भाव के चलते जो फ्रेट होता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है और जो फ्रेट के साथ साथ हम कंटेनर अवेलेबिलिटी ये भी कम है, तो मुझे लगता है जो मैंने दे दी थी 12 जनवरी से 15 फरवरी का ओवरऑल जो पीरियड था वो अब एक तरह से कंप्लीट भी हो रहा है और प्रॉफिट बुक बनता भी है, तो मेरी सलाह रहेगी धनिया में भी एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। हाँ, थोड़ा अगर नीचे में 9,000-9,200 तक का भी रेंज मिलता है, क्योंकि नए अराइवल्स भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पे एंट्री करके चलो, पूरे साल भर में 18,000 का लेवल हायर साइड पे दिखाएगा, बट एज ऑफ नाउ प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज खाली हमने बोर्ड पे दिखेगा प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा, तो बेटर एक बार प्रॉफिट कम कीजिए और 9,000 के करीब फिर से री एंट्री करने की कोशिश करिए जी। इसी के साथ अजय जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन पहले 6700 का लेवल देखा था मार्च वायदा में, फरवरी वायदा देख रहे हैं 6600 के ऊपर है अभी भी, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना में जो प्रोडक्शन है वो भी कम रहने का अनुमान है, यूएसडी की भी रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है यूएस सोयाबीन फ्यूचर जो लगातार तेज होता जा रहा है, कल को हमने $1570 पर देखा था और आज $1600 के पार है, एक ही दिन के अंदर $30 से $35 की तेजी भी देख चुके, ऐसे में अब भारत में सोयाबीन की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए इंटरनेशनल में डेफिनेटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, आज वाल्डे की रिपोर्ट में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो वर्ल्ड का स्टॉक की बात करें वहां पे हमने -2.37 के आसपास का एक ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर रिवाइज डाउन हुआ है, ये कहीं ना कहीं काफी कंसर्निंग है, और यूएस के भी स्टॉक की बात करें वहां पे भी हमने ड्रॉप देखा है, तो ये सारे सेक्टर के चलते हमने इंटरनेशनल में 1600 का लेवल तोड़ते हुए देखा है। टेक्निकली हमारा व्यू था 1580 का, और जो वॉल्यूम के साथ 1580 का लेवल तोड़ा है, मुझे लगता है अब प्राइजेस 1670-1690 के जो जोन है वहां तक जाने के लिए तैयार है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा जंप जरूर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप है सामने, जिसके चलते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं बनेगी,
बस सपोर्ट रहेगा। और पूरे साल भर अगर हम बात करें या जून तक की भी बात करें तो मुझे लगता है एडिबल ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड, इनमें कोई फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं रहेगा, ये तेजी रहेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोयाबीन इंटरनेशनल को देखते हुए 1670-1690 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। जी अजय जी, बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कॉटन के प्राइसेस जो हैं वो ठीक ठाक ही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 40,000 के भी लेवल्स बहुत जल्द देखने वाले हैं? देखिए कॉटन में भी हमने बताया था कि कॉटन हैंडल फॉर्मेशन है तो 38,000 तक का लेवल दिखा सकता है डोमेस्टिक मार्केट पे। ऑलमोस्ट हमें 38,000 का लेवल ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुके हैं, वापस आज का भी हाई है जो 37,950 का है। फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है, इनफैक्ट वी आर वेटिंग टू सी आई का जो फरवरी में जो सर्वे है उसके हिसाब से प्रोडक्शन क्या बताते हैं, बट ये चीज तो पक्की है क्योंकि हाजिर मार्केट में सब 300-320 की बात करते हैं, तो ये तो नहीं है कि वो अपवर्ड रिवाइज होगा। डाउनवर्ड रिविजन होता है तो अगेन प्राइस को एक अपवर्ड साइड का ट्रिगर मिलेगा। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि यूएसए की रिपोर्ट के बाद भी हमने 122 सेंट के ऊपर अच्छे से भाव को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक 130 सेंट का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमको फरवरी महीने में ही, जो मार्च 10 तारीख तक 138 सेंट तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 38,200 के ऊपर प्राइजेस निकलता है, वीकली बेस पे क्लोज होती है, तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 41,500 से 42,000 तक का भी लेवल दिखा देगा। उसका कारण एक ये भी है कि ऊंचे तेल के भाव की वजह से पॉलिस्टर या मैनमेड फाइबर की भाव में अच्छी तेजी बनी हुई है और उसको कॉम्पीट करने से कॉटन के प्राइसेस में भी डिमांड है। नो डाउट बी टू बी में इसी ये देखी गई है कि ऊंचे भाव के चलते कोई भी स्टॉक करने से परे करना है, बट बी टू सी के अंदर डिमांड बनी हुई है जिस ढंग से शादी ब्याह के हिसाब से और अब वेबिनार से लोग सेमिनार की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मीट होता है तो कपड़े भी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन में तेजी का रुख है जो 38,200 के ऊपर अच्छा एक बाइंग ट्रिगर करेगा जो 41,000 से 42,000 का लेवल दिखा देगा। जी अजय जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स के देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए वैसे मेरा लॉन्ग टर्म अगर टॉपिक की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के 4,000 के लिए, जीरा है 25,000 के लिए, धनिया 18,000 के लिए, बट आई थिंक कॉटन सीड ऑयल के तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं। मसालों में थोड़ा वेट कीजिए, गवार वैसे भी कुछ ट्रेड मेजरली होने वाला नहीं जो मैंने पहले भी बताया था। सबसे अट्रैक्टिव कमोडिटी मुझे इस वक्त जो लग रही है कैस्टर। कैस्टर में करंट मार्केट से भी लेके चलिए 6850 का टारगेट के लिए, लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए भी लेके चल सकते हैं। 7,000 का लेवल हमें 15-20 मार्च तक दिखा सकता है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बिल्कुल कैस्टर लेके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल में आने वाले समय में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको एंजॉय क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट टाइम से भी पर। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।